फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द कार्बन क्लासेस चैनल। और फ्रेंड्स, कार्बन क्लासेस के आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। तो मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन से पहले फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने ये देख लिया था कि हार्मोन्स कौन कौन से ग्लैंड सेक्रीट करते हैं एंड मेजर ग्लैंड्स कौन कौन से, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। सो नाउ फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि हार्मोन्स के टाइप क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, हार्मोन तीन टाइप के होते हैं। प्रोटीनेशियस हो गए फ्रेंड्स, आपके स्टेरॉयडल हार्मोन्स हो गए, और आपके टायरोसिन डेरिवेटिव हो गए। जनरली दे दीज आर ऑफ थ्री टाइप्स। सो ये जो थ्री टाइप्स हैं फ्रेंड्स, इनका मैकेनिज्म या इनका क्या तरीका रहता है जिसकी वजह से ये रिक्वायर्ड या डिजायर्ड इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, तो वो हम देखेंगे अभी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखने हमने प्रोटीन हॉर्मोन्स जो होते हैं उनका तरीका क्या होता है। सो प्रोटीन हॉर्मोन्स प्लस कैटेकोलामीन्स। सो प्रोटीन हॉर्मोन्स एंड कैटेकोलामीन्स, दे गो एंड बाइंड टू द मेम्ब्रेन रिसेप्टर। सो फ्रेंड्स, ये जो रेड रेड से मैं शो कर रहा हूं, these are your membrane receptors, so they go and bind to these membrane receptors, and then friends, these membrane receptors go and release a secondary messenger। मतलब friends, एक hormone receptor complex बनता है और उसकी वजह से एक सेकेंडरी मैसेंजर आता है। वो सेकेंडरी मैसेंजर किसी एंजाइम को एक्टिवेट करता है सेल के अंदर, जो रिक्वायर्ड इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। नाउ फ्रेंड्स, आपके थायराइड हार्मोन्स। सो योर थायराइड हार्मोन्स जो होते हैं, ये फ्रेंड्स डायरेक्टली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होते हैं। दीज गो एंड डायरेक्टली अटैच ओवर द न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। सो दीज आर योर न्यूक्लियर रिसेप्टर्स, और न्यूक्लियर रिसेप्टर डायरेक्टली डीएनए को जाके या डीएनए को जाके इंफॉर्मेशन देता है, एंड देन दिस डीएनए प्रोड्यूसेस द रिक्वायर्ड एमआरएनए, एंड वही एमआरएनए फिर आपका प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। सो दिस इज फ्रेंड्स योर थायराइड हार्मोन। देन फ्रेंड्स, योर स्टेरॉयडल हार्मोन्स। सो फ्रेंड्स, जो स्टेरॉयडल हार्मोन्स है वो सिंपल है, वो साइटोप्लाज्म में इनके साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स होते हैं। सो साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट, and these cytoplasmic receptors go and they also direct DNA to produce mRNA which goes and forms proteins। तो friends, ये तो अपने तीन mechanism पढ़ लिए कि protein कैसे करता है, आपका thyroid hormone जो tyrosine derivative होते हैं T3 T4, और जो steroidal होते हैं वो ये कैसे काम करते हैं, वो तो उन लोगों ने पढ़ लिए। now friends, we are going to study कि एक्चुअली में मैकेनिज्म कौन कौन से कैसे कैसे इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बेसिकली तीन मैकेनिज्म होते हैं। सो बेसिकली थ्री मैकेनिज्म्स होते हैं विच वी आर गोइंग टू लुक आफ्टर। सबसे पहला मैकेनिज्म होता है फ्रेंड्स, बाय ऑल्टरिंग परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो पहला मैकेनिज्म हुआ बाय ऑल्टरिंग द परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन फ्रेंड्स। तो इसका फ्रेंड्स बेसिक सा सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल है आपका न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स,
दीज इन साइनैप्स और एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन दे एक्ट बाय चेंजिंग द परमेबिलिटी. सो योर न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिटर्स चेंज द परमेबिलिटी एट द साइनैप्टिक लेवल और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लेवल. सो न्यूरोट्रांसमिटर्स इन साइनैप्स और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लेवल एक्ट बाय चेंजिंग द परमेबिलिटी. अब किसकी परमेबिलिटी चेंज करेंगे फ्रेंड्स? तो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी चेंज करते हैं. सो दे एक्ट बाय चेंजिंग द परमेबिलिटी ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन. अब फ्रेंड्स अगली जो है, ये तो छोटे छोटे हैं फ्रेंड्स, जो सेकंड पार्ट है दैट इज बाय एक्टिवेटिंग इंट्रासेलुलर एंजाइम, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट और वो ही आज के टॉपिक में हम ज्यादातर फोकस में रखेंगे. सो बाय एक्टिवेटिंग इंट्रासेलुलर एंजाइम. सो फ्रेंड जो इंट्रासेलुलर एंजाइम है वो कैसे एक्टिवेट होता है एंड मतलब आपके जो प्रोटीनेशियस हार्मोन्स हैं और जो कैटाकोलामीन है दे एक्ट बाय एक्टिवेटिंग. दे फर्स्ट जॉइन विद द मेम्ब्रेन रिसेप्टर टू फॉर्म अ हार्मोन मेम्ब्रेन हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स एंड दीज देन प्रोड्यूस अ सेकेंडरी मैसेंजर विच फर्दर एक्टिवेट्स एन एंजाइम टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड इफेक्ट. वो ही एक्टिवेशन या वो ही एंजाइम बनने का तरीका अब हम जान रहे हैं. तो फ्रेंड्स ये इनके एग्जाम्पल, क्लासिक एग्जाम्पल कौन कौन से ये काम करते हैं, ये करते हैं प्रोटीन प्लस कैटेकोलामीन्स. ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें हम देखेंगे कौन कौन से टर्मिनोलॉजीज और टर्मिनोलॉजीज के हिसाब से उसको एक्सप्लेन करेंगे. तो सबसे पहले टर्मिनोलॉजी आती है आपकी फर्स्ट मैसेंजर. तो फर्स्ट मैसेंजर फ्रेंड्स वो होते हैं या वो हार्मोन होते हैं जो टारगेट सेल पे आते हैं और जो मेम्ब्रेन के साथ हार्मोन मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स के साथ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. सो फर्स्ट मैसेंजर्स आर हार्मोन्स विच एक्ट ऑन टारगेट सेल एंड कंबाइंस विद मेम्ब्रेन रिसेप्टर टू फॉर्म मेम्ब्रेन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स. अब फ्रेंड्स दूसरी चीज देखते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर. तो फ्रेंड्स सेकेंडरी मैसेंजर होता क्या है वो स्टडी करते हो. सेकेंडरी मैसेंजर जो आपके हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है, दिस हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स थ्रू वेरियस एक्टिविटीज फॉर्म्स एन अनदर सब्सटेंस विच इज कॉल्ड द सेकेंडरी मैसेंजर. और ये फ्रेंड्स एक इंट्रासेलुलर हार्मोन मीडिएटर होता है. ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका जो फर्स्ट मैसेंजर है ये मेम्ब्रेन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स से एक सेकेंडरी मैसेंजर बना रहा है. सो दी सेकेंडरी मैसेंजर, द मोस्ट कॉमन सेकेंडरी मैसेंजर फ्रेंड्स जो हम देखते हैं वो है साइक्लिक एएमपी. तो वो एक साइक्लिक एएमपी का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, कैसे काम होता है, वो ही हम स्टडी करेंगे. सो फ्रेंड्स जो सेकेंडरी मैसेंजर आपके जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है वो एक्टिवेट करता है एंजाइम्स जो सेल के अंदर हैं एंड दैट कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ योर अनदर सब्सटेंस. ठीक है फ्रेंड्स, और वो ही सब्सटेंस आगे जाकर सेल के अंदर रिक्वायर्ड या वो ही जाकर आगे कोई एंजाइम की एक्टिवेशन कॉज करेगा जिसकी वजह से वो रिक्वायर्ड इफेक्ट पैदा होगा. और मोस्ट कॉमनली विच वी सी इज साइक्लिक एएमपी. तो फ्रेंड्स अब जानते हैं मैकेनिज्म कैसे होता है. तो फ्रेंड्स ये सिंपल सा डायग्राम है जो आप देख रहे हो. ठीक है,
तो ये H4 हो गया हॉर्मोन, ठीक है, और ये हो गया उसका रिसेप्टर। तो फ्रेंड्स आपको पता है जब हॉर्मोन रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा तभी एक हॉर्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो सबसे पहले ये बन गया अपना हॉर्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। नाउ फ्रेंड्स जो साइक्लिक एएमपी होता है, जो हम पढ़ने जा रहे हैं साइक्लिक एएमपी, दिस साइक्लिक एएमपी की फुल फॉर्म होती है साइक्लिक एडिनोसिन 3,5,3,5 मोनो फॉस्फेट। सो सबसे पहले ये जान लो कि सीएमपी साइक्लिक एडिनोसिन 3,5 मोनो फॉस्फेट, ठीक है, और एक ये है, ये सेकेंडरी मैसेंजर है। नाउ फ्रेंड्स आपका जो सीएमपी है, साइक्लिक एएमपी है, उसकी फॉर्मेशन में आपके जी प्रोटीन्स का रोल है। सो सीएमपी इज फॉर्म्ड बाय एक्शन ऑफ जी प्रोटीन्स, बाय एक्शन ऑफ जी प्रोटीन्स। नाउ आपके जी प्रोटीन्स होते क्या हैं? सो दीज जी प्रोटीन्स आर योर ग्वानोसिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन्स। सो जो जी प्रोटीन्स हैं आपके, दीज आर ग्वानोसिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन्स। और फ्रेंड्स ये तीन टाइप के इसके सब यूनिट्स होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। तो फ्रेंड्स अल्फा, बीटा, गामा में से जो अल्फा सब यूनिट है दैट इज मोस्ट बायोलॉजिकली एक्टिव, ठीक है फ्रेंड्स। मोस्ट बायोलॉजिकली एक्टिव का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल आपका अल्फा सब यूनिट प्ले करता है, क्योंकि फ्रेंड्स अल्फा सब यूनिट में जो होती है वो उसमें इंट्रेंसिक एंजाइम जीटीपेज होता है, जीटीपीएज। तो जीटीपेज इसमें एंजाइम, इंट्रेंसिक एंजाइम प्रेजेंट होता है। अब जीटीपेज का फंक्शन फ्रेंड्स आगे देखते हैं होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसमें तीन सब यूनिट होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो फ्रेंड्स आपका जो अल्फा सब यूनिट होता है इट इज बाइंडेड with GDP and your beta and gamma subunits are together bounded। तो यहाँ डायग्राम में देखते हैं, तो ये बीटा सब यूनिट हो गया, ये गामा सब यूनिट हो गया, एंड दिस इज योर अल्फा सब यूनिट बाइंडेड विथ GDP, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले होता क्या है कि एक हॉर्मोन जाके एक रिसेप्टर पे बाइंड करता है। अब हार्मोन और रिसेप्टर के बाइंडिंग से जी प्रोटीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, तो हार्मोन मेम्ब्रेन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना। तो जैसे ही हार्मोन और रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है ये पार्ट आपका एक्टिवेट हो जाता है। सो फ्रेंड्स सबसे पहले होता क्या है कि जो आपका अल्फा सब यूनिट है, अल्फा सब यूनिट इट गेट्स एक्टिवेटेड एंड इट एक्सचेंजेस और रिलीजेस योर GDP। तो सबसे पहले ये जो अल्फा सब यूनिट है ये अपना GDP रिलीज करेगा एंड देन इट बाइंड्स विद GTP। सो योर अल्फा सब यूनिट रिलीजेस GDP एंड बाइंड्स विद GTP। ये जो रिएक्शन हुई फ्रेंड्स इट ट्रिगर्स द डिसोसिएशन ऑफ बीटा एंड गामा, बीटा एंड गामा सब यूनिट्स फ्रॉम दी रिसेप्टर्स। सो इन दोनों रिसेप्टर बीटा गामा रिसेप्टर से डिसोसिएट हो गए। नाउ फ्रेंड्स आपका जो बीटा एंड योर अल्फा सब अल्फा जीटीपी यूनिट दे बोथ गो एंड एक्ट एंड फॉर्म्स एडिनाइल साइक्लेस एंड दीस एडिनाइल साइक्लेस नाम के एंजाइम को एक्टिवेट करता है and then friends your adenyl cyclase goes and activates or acts as an enzyme and friends converts ATP to your cyclic AMP।
दिस इज हाउ फ्रेंड्स योर साइक्लिक एएमपी इज फॉर्म्ड. देन योर साइक्लिक एएमपी गोस एंड एक्टिवेट्स एंजाइम प्रोटीन काइनेज ए. दिस प्रोटीन काइनेज ए गोज एंड परफॉर्म द रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स. तो फ्रेंड्स हुआ क्या क्या, अपने को ये पता था कि एक हार्मोन है और एक रिसेप्टर है. हार्मोन ने रिसेप्टर के साइड बाइंड किया और इससे हुआ क्या कि जो आपका अल्फा सब यूनिट था उससे जीडीपी का रिलीज हुआ. जीडीपी का रिलीज हुआ तो उसके साथ जीटीपी आके बाइंड कर दिया. जैसे ही जीटीपी और अल्फा बाइंड किए वैसे ही बीटा और गामा सब यूनिट का डिसोसिएशन हुआ. अब बीटा और गामा सब यूनिट का डिसोसिएशन आपके रिसेप्टर से हुआ है. देन बीटा एंड गामा और अल्फा और जीटीपी सब यूनिट गो एंड एक्टिवेट द एंजाइम एडिनाइल साइक्लेज. दिस एडिनाइल साइक्लेज गोज एंड दिस एंजाइम गोज एंड कन्वर्ट्स एटीपी इनटू साइक्लिक एएमपी. दिस साइक्लिक एएमपी देन एक्टिवेट्स योर एंजाइम प्रोटीन काइनेज ए एंड प्रोड्यूसेस द रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स. तो फ्रेंड्स ये हो गया सिंपल आपके साइक्लिक एएमपी की फॉर्मेशन और कैसे ऐड करता है. और सेकेंडरी मैसेंजर्स के एग्जाम्पल और हैं आपके कैल्शियम एंड कैल्मोडिलिन. सो फ्रेंड्स कैल्शियम एंड कैल्मोडिलिन आपके स्मूथ मसल्स में बाइंडिंग मतलब स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं. जैसे कि कैल्शियम और ट्रोपोनिन सी होता है, कैल्शियम जाकर ट्रोपोनिन सी पे बाइंड करता है, वैसे ही ट्रोपोनिन सी का मतलब स्मूथ मसल्स में ट्रोपोनिन सी नहीं होता, वहां कैल्मोडिलिन होता है उसकी जगह पर. तो कैल्शियम एंड कैल्मोडिलिन एक और एग्जाम्पल है अपना सेकेंडरी मैसेंजर का. और वैसे ही आपका आइनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट एंड डाइएसाइल ग्लिसरॉल. सो फ्रेंड दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर. नाउ फ्रेंड्स हम तीसरी और लास्ट तरीका देख रहे हैं मैकेनिज्म, दैट इज बाय एक्शन ऑन जीन्स. सो फ्रेंड्स एक्शन ऑन जीन्स बहुत सिंपल है. तो थायराइड और स्टेरॉयड हॉर्मोन्स ऐसे एक्ट करते हैं, जीन्स पे एक्ट करते हैं डायरेक्टली एंड प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड एमआरएनए. सो फ्रेंड्स ये होता कैसे कैसे है. सबसे पहले फ्रेंड्स आपका हॉर्मोन आता है एंड इट बाइंड्स विद योर रिसेप्टर टू प्रोड्यूस योर एचआर कॉम्प्लेक्स. तो जो एचआर कॉम्प्लेक्स बना, ये एचआर कॉम्प्लेक्स गोज इनसाइड एंड इट डायरेक्टली बाइंड्स विद द न्यूक्लियर रिसेप्टर्स. तो एचआर कॉम्प्लेक्स जो बना ये आपका डीएनए है एंड इट गोज एंड बाइंड्स विद द न्यूक्लियर रिसेप्टर्स प्रेजेंट ओवर द डीएनए. वो डीएनए को डायरेक्ट करते हैं टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड प्री एमआरएनए. दिस प्री एमआरएनए गोज एंड हैज सम चेंजेस टू फॉर्म योर मैसेंजर आरएनए एंड देन योर मैसेंजर आरएनए गोज आउटसाइड द सेल, फॉर्म्स राइबोसोम एंड देन दिस राइबोसोम गोज एंड फॉर्म प्रोटीन्स विच गिव्स द फर्दर रिस्पॉन्स. तो फ्रेंड्स इसके एग्जाम्पल हो गए आपके सारे थायराइड हॉर्मोन्स और स्टेरॉयडल हॉर्मोन्स. ठीक है फ्रेंड्स थायराइड हॉर्मोन्स स्टेरॉयडल हॉर्मोन्स. सो फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर. फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग कार्बन क्लासेस एंड कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप अप द गुड वर्क. थैंक यू, हैव अ नाइस डे अहेड.